काकतिष्ठा बोधानं श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी महत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 13 और जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे इनका। इस वीडियो में इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है जिससे कि आने वाले हर एक परीक्षाओं में आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप इसको एज इट इज रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप आराम से इनका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर एक है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करें। तो इसका उच्चारण आपने खुद बोल बोल के करना है। एक बार मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, विद्यार्थी इसका उच्चारण खुद करें, ये लिखा हुआ है इसमें, तो इसका आपने खुद एक बार बोलने का ट्राई करना है। इसके बार 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 बोलें जब तक कि आपको ये शब्द बोलने ना आ जाते हों। सबसे पहला है उपलब्धाशु, षडंगस्य, चिकित्सा शास्त्रम, वैशिष्ट्यम, भूगोल शास्त्रम, वाम्मिंगे, विद्यमानः, अर्थशास्त्रम। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुका है, ये शब्द हमने बोल लिए हैं। अगला हमारा है पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर दो है हमारा, प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, यानी जो प्रश्न हैं उनके एक पद में उत्तर लिखना है, एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है का भाषा प्राचीनतमा, तो आंसर आएगा संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। अगला है शून्यस्य प्रतिपादनम कह अक्रूत, तो इसका आंसर आएगा शून्यस्य प्रतिपादनम आर्यभट्ट अक्रूत। अगला है ग कैटिलियन रचितम शास्त्रम किम, तो इसका उत्तर आएगा कैटिलियन रचितम शास्त्रम अर्थशास्त्रम अस्ति। अगला है घ, यह काश्या भाष्यायाम या भाष्या काव्य सौंदर्यम अनुपमम, तो इसका उत्तर आएगा संस्कृत भाषा काव्य सौंदर्यम अनुपमम। अगला अंग है कह अभ्युदयायः प्रेयन्ति, का अभ्युदयायः प्रेरयन्ति, तो इसका आएगा संस्कृते विद्यानाहं शुक्त्यम अभिवादयाय प्रेयन्ति। पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नाम उत्तराणि एक वाक्य ने लिखत, एक वाक्य में इसका उत्तर लिखें जो प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसको। क हमारा है शणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, इसका आंसर आएगा शणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम या संस्कृत अस्ति। ख हमारा है संस्कृतस्य वाम्यं कह समृद्धम अस्ति, तो इसका आंसर आएगा संस्कृतस्य वाम्यं वैदेह पुराणः नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रमिश्च समृद्धम अस्ति। ग हमारा है संस्कृत किम शिक्षयति, तो इसका आंसर आएगा संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कृतम संस्कृत शिक्षयति। घ हमारा है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थ पठनीयम, तो इसका आंसर आएगा अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेत पठनीयम तेन मनुष्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तो ये क्वेश्चन आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 74 पर, जो लिखा हुआ है इकारांतः स्त्रीलिंगम शब्द रूपम
अधिकृत रिक्तास्थानी पूरियत। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका शब्द रूप आपने बनाना है स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृति रिक्तस्थानम पूरियत। ये रिक्त स्थान जो जहाँ खाली खाली दिए हुए हैं इनको हम पूरा कर लेते हैं। इनका बना के पहला दिया हुआ है गति प्रथमा, ये इसका हो जाएगा गति है, गति और गतः। तो ऐसे ही मति, ये प्रथमा विभक्ति है तो इसमें हो जाएगा मति है, मति और मतः। बुद्धि यानी द्वितीय, इसका हो जाएगा बुद्धिमा, बुद्धि और बुद्धिः। प्रीति ये भी द्वितीय विभक्ति है, इसमें हो जाएगा प्रीतम और प्रीति प्रीतिः। अगला है नीति यानी तृतीया, तृतीया में हो जाएगा इसका नित्या नित्यभ्यम और ये हो जाएगा नितिभ्यः। ऐसे ही आपने तृतीय विभक्ति अगली बनानी है शांति, तो शांति का इन्होंने दे रखा है शांतिभ्यः, तो इसका हम हो जाएगा शानंत्या शांतिभ्याम और शांतिभ्यः। अगला है मति यानी ये चतुर्थी है जो कि मत्ते और मतये अभीत्याभ्याम और मतिभ्यः हो गया है, तो यानी मते मते है मतिभ्याम और मतिभ्या हो गया है। तो इसी का प्रकृति चतुर्थी में हो जाएगा प्रकृते या प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। और अगला इसके आगे हो जाएगा प्रकृतिभ्या। नेक्स्ट है कृति, इसका हो जाएगा ये है पंचमी विभक्ति, जैसे कि कृतिया कृते कृतिभ्याम और कृतिभ्या। तो ऐसे ही गीति दे रखी है, गीति यानी पंचमी विभक्ति है ये भी, तो इसका हो जाएगा गित्या गित्ते गित्याभ्याम और गितिभ्या। ऐसे ही सुक्ति यानी षष्ठी विभक्ति है, जैसे सुक्तेह सुक्तिह सुक्तेह और सुक्तिनाम, तो इसका हो जाएगा अगला जो दिया हुआ है कृति षष्ठी विभक्ति, तो इसका हो जाएगा कृतेह कृत्या कृत्योह और कृतनाम। नेक्स्ट जैसे धृति यानी सप्तमी विभक्ति है, धृतो धृत्याम धृत्योह और धृतिषु, तो इसी की जगह नीचे दे रखा है भीति यानी ये सप्तमी विभक्ति है, इसमें हो जाएगा भीतो भीत्याम भीत्योह और भीतुषोह। अगला है मति यानी संबोधन, हे मति और हे मतः। तो ये हमारा हो चुका है, इसके धातु रूप विभक्ति वचन लिंग ये सब की एक वीडियो बनी हुई है इस चैनल में। अगर आपको ये और अच्छे से समझने हैं और भी शब्द के समझने हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। अगला हमारा पेज नंबर 75 पर क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखांकितानि पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कृत, यानी अपने प्रश्न का निर्माण करना है जो रेखांकित जिन शब्द को रेखांकित यानी रेखा दी गई जिनके नीचे। क है संस्कृते ज्ञान विज्ञान निधि सुरक्षितो अस्ति, इसका बनेगा संस्कृते ज्ञान विज्ञान क सुरक्षितो अस्ति। अगला क है संस्कृतमेव षण्यंकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, तो इन्होंने जो षण्यंकस्य है इसको जो है अंडरलाइन कर रखा है, तो इसका बनेगा संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अगला है शल्यक्रियाः वर्णनम् संस्कृत साहित्ये अस्ति, तो इसमें जो रेखांकित कर रखे लाइन वो है संस्कृत साहित्ये, तो इसका हम बनाएंगे शल्यक्रियाः वर्णनम् कस्याम अस्ति। अगला घ है वरिष्ठान प्रति अस्याभियम प्रियम वयम कृत्यव्यम, तो इसका जो वरिष्ठान है इसको अंडरलाइन कर रखा है, तो इसका हम आंसर बनाएंगे कान प्रीति अस्माकि प्रियम व्यवर्त्यम। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, पेज नंबर 75 पर ही क्वेश्चन नंबर 6 है, उदाहरणानुसार पदां विभक्ति वचनम लिखत, उदाहरण के अनुसार जैसे उदाहरण में नीचे दिया गया है शब्द दिया गया है उसका विभक्ति और वचन बनाया गया है, इसी तरह से आपने
बाकी शब्दों के भी विभक्ति और वचन बनाने हैं, यथा यानी कि जैसे संस्कृते, तो इसका विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। अब ऐसे ही नीचे सब दे रखे हैं तो हमने बनाने हैं गति, इसका आएगा प्रथमा, वचन में आएगा एक वचन। नितिम विभक्ति होगी द्वितीया, वचन होगा एक वचनम। अगला है सुक्तः, इसका आएगा द्वितीया और वचन में आएगा एक वचन यानी एक वचनम। अगला है शांतया, तो विभक्ति है तृतीया, वचन है एक वचनम। अगला है प्रीत्या, वचन है चतुर्थी, विभक्ति है चतुर्थी और वचनम है एक वचन। अगला है मतिषु, विभक्ति है सप्तमी और वचन है बहुवचनम। अगला पेज नंबर 75 पर क्वेश्चन नंबर 7, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, जैसा लिखा हुआ है उसके आगे सही सपने लिखना है। ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो आपने इसके आगे करेक्ट लिखना है। क लिख बना हुआ है इसमें और ख अलग दे रखा है, तो ख में जो है ऊपर नीचे कर रखा है सारा, तो आपने ये करेक्ट बनाने हैं। तो इसमें पहला है कैटिलियन, तो इसके आगे दे रखा है अभ्युदयाय प्रेरियंत, तो ये करेक्ट नहीं है, तो हमने इसके आगे कौन सा करेक्ट है वो लिख लेना है। तो आइए, मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं ऑलरेडी पहले से। क में है कैटिलियन, तो इसके आगे आएगा अर्थशास्त्रम रचितम। अगला है चिकित्साशास्त्री, तो इसके आगे आएगा चरक सूत्रियो योगदानम। अगला है सुनश्य, इसके आगे आएगा आर्यभट्ट। अगला है आविष्टकर्ता, तो इसके आगे आएगा ज्ञान विज्ञानम पोषकम। अगला है संस्कृतम सुक्त्यः अभिधाय प्रेरयन्। तो ये इस तरह से अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कैटिलियन के आगे अर्थशास्त्रम रचितम, चित्रशास्त्रे चरस्त्योष योगदानम, शून्यस्य अभिष्कृता आर्यभट्टः, संस्कृतम सुक्तम ज्ञानम विज्ञानम पोषकः अभिधायम प्रेरयन्। तो ये इसके आगे करेक्ट करेक्ट लिखे हैं, आपने इसी तरह से ये सारे बना लेना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इस नेक्स्ट इसका जो अगला चैप्टर है उसके साथ में। तब तक कर लिए, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो आप तक टाइम पर पहुँच जाए।